हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा और आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल ऑल इन वन होम एक्सपर्ट में। बरसात का मौसम हो और कचौड़ी का स्वाद ना दिया हो तो फिर क्या कहना। इसलिए आज की रेसिपी है खस्ता मूंग दाल कचौड़ी, जिसे बनाना भी काफी इजी होता है और मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो आपको फ्लेवर भी मार्केट जैसे मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। और हाँ, आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कचौड़ी बनाने के लिए डो तैयार करेंगे। यहाँ मैंने 2 कप मैदा ली है और अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच सोडा, 1/3 स्पून सॉल्ट और ये जरूरत के हिसाब से तेल। बस अब हम मौन को पूरे आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि आटे को हमें सॉफ्ट लगाना है। और हाँ, इसमें मौन हम जितना अच्छा देंगे कचौड़ी उतनी ही खस्ता बनेगी। देखिए, मौन मैंने अच्छे से लगा लिया है। इतना आटा मारने के लिए मेरे को 4 से 5 चम्मच ऑयल की जरूरत हुई। इसमें पानी भी हमें थोड़ा थोड़ा कर ही डालना है। इस तरीके से पानी को हम डालते जाएंगे और आटा लगाते जाएंगे। देखिए, इस तरीके का हमें डो बनाकर तैयार करना है। अब हम बस डो को ढककर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद हम फिर इसको एक साथ एक बार और करेंगे। चलिए तो स्टफिंग बना लेते हैं। ये मैंने मूंग दाल को 4 से 5 घंटे पहले गलाकर रख दिया था और अब मैंने इसका पानी अच्छी तरीके से निकाल लिया है। बस अब हमें इसे मिक्सर में दरदरा सा पीसना है। चलिए तो अब हम इसे पीस लेते हैं। देखिए, इस तरीके से हमें दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। चलिए तो अब हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और इसमें अब मैं डालूंगी 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो यहाँ हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सौंफ और ये 1 टीस्पून हल्का सा क्रश किया हुआ खड़ा धनिया। बस अब इन सभी को हम चला लेंगे। देखिए, सौंफ, जीरा और धनिया हल्के से सिक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून बेसन। बेसन जो है ना, हम जो दाल डालेंगे ना उसकी सारी नमी को एब्जर्व कर लेगा। बस अब हम बेसन को अच्छे से सेक लेंगे और बेसन सिकने के बाद हम इसमें दाल को ऐड करेंगे। बेसन अच्छे से सिक चुका है, अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। ये डाला मैंने 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और ये गई मिर्च एस फॉर टेस्ट और ये काली मिर्च, ये भी टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। ये रही कस्तूरी मेथी। बस हम इसको इस तरीके से हल्का सा रब कर डालेंगे। अब बस जो हमने पहले से ही दाल तैयार करके रखी थी ना, यानी कि जो हल्की दरदरी पीस कर रखी थी, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और दाल को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं डालूंगी हींग, जिसे मैंने पानी में पहले से ही घोल कर रख दिया था। इस तरीके से हींग को हम इसमें ऐड करेंगे ना तो इसका फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा आता है। बस अब हम दाल को अच्छे से पकाएंगे जिससे जो दाल की सारी नमी है ना वो निकल जाए। देखिए, दाल की नमी अच्छे से निकल चुकी है। अब हम लास्ट में डालेंगे ये 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर और इसे भी इसमें मिक्स कर लेंगे। बस अब हमारी स्टफिंग रेडी है। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडी हो रही है, हम जब तक अपना आटा फिर से एक सा कर लेते हैं। बस अब हम करेंगे कचौड़ियों को रेडी। तो इस तरीके से हम लोई को ले लेंगे और इनका पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे इस तरीके से।
तैयार करेंगे इस तरीके से। और अब हम हाथ की हेल्प से इसको साइड से इस तरीके से बढ़ाएंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से कीजिएगा। बस अब हम बीच में स्टफिंग को भर देंगे और हल्का सा पानी लगाकर इसे हम साइड से पैक करेंगे। देखिए इस तरीके से हम करेंगे और बस इसको गोल गोल करकर हाथी से थोड़ा सा चपटा करकर हम इसे बढ़ा लेंगे। देखिए रेडी है हमारी कचौड़ी। इसी तरीके से मैं एक कचौड़ी और बनाकर दिखाती हूँ। बस ऐसे ही हमें सारी कचौड़ी बना लेनी है। और यहाँ मैंने सारी कचौड़ी बना ली है। यहाँ मैंने कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर गर्म होने रख दिया है और ये कढ़ाई गर्म हो चुकी है। चलिए तो अब हम कचौड़ियों को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ आपको कुछ बातें याद रखनी होती हैं कि तेल को आप बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करें। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर ही गर्म किया है और जब ये हल्का सा गर्म हो गया था तब मैंने इसमें कचौड़ियों को डाल दिया था। इससे क्या होता है ना, कचौड़ी अच्छी खस्ता फ्राई होती है और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अगर आप तेज गरम तेल में फ्राई कर लेंगे तो ऊपर से कचौड़ी तो अच्छे से सिक जाएगी लेकिन अंदर से उतनी अच्छी नहीं सिकेगी, जिसके कारण हमारी कचौड़ी अच्छी खस्ता नहीं बनती है। और हाँ, कढ़ाई में कचौड़ी डालने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और फिर लो फ्लेम पर ही कचौड़ियों को अच्छे से फ्राई करेंगे। और इनका कलर जब तक गोल्डन नहीं हो जाता हम इन्हें अच्छे तरीके से दोनों तरफ से पलटकर फ्राई करेंगे। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन इस तरीके से हमारी कचौड़ी बिल्कुल अच्छे से फ्राई होंगी। देखिए कचौड़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। चलिए तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और फिर सर्व कर लेते हैं। लीजिए तो बन गई एकदम परफेक्ट कचौड़ी। चलिए तो मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ ये अंदर से कितने अच्छे तरीके से सिक चुकी हैं। देखिए बिल्कुल एक एक लेयर अच्छे से दिख रही है और ये बिल्कुल खस्ता बनकर ही तैयार हुई है। बरसात के मौसम में आप कचौड़ी का आनंद जरूर लीजिएगा क्योंकि इसके बिना बरसात का मजा ही क्या। आप चाहें तो इसे चटनी के साथ खाएं या फिर चाय के साथ, दोनों के साथ इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट रहता है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ, अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।